हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार। देखिए फ्रेंड, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड, इसका नाम तो मैं भूल गई हूँ। सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ, साढ़े छः बजे है, साढ़े छः भी नहीं बजे, मैंने घड़ी में देख लिया। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, गर्मियों में इसमें फ्लावर आता है, बहुत हार्डी प्लांट है। इसकी मैंने फ्रेंड अप्रैल में प्रूनिंग कर दी थी ताकि इसमें नई नई इसमें सूट निकले और बहुत ज़्यादा फ्लावर आए। मैं बनाना चाहती थी फ्रेंड बहुत जल्दी, पर देखिए इसमें से फ्लावर अब गर्मी की वजह से जड़ जाते हैं। बहुत अच्छे फ्लावर, इसमें कलर बहुत सारा आता है फ्रेंड, रेड, वाइट, पिंक। ये मेरे पास लाइट पिंक है, पूरा गुच्छों में आता है, इतना अच्छा लगता है ना। ये मैंने फ्रेंड कटिंग से लगाया है, नीचे मेरे पास है, बहुत बड़ा पेड़ है। ये पेड़ में से कटिंग लेकर मैंने लगाया था ऊपर, ये मटके में लगा हुआ है। ये देखे, ये मटका है, पानी का मटका आता है ना, उसमें लगाया है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर गया है फ्रेंड, सब डालियों में अब फ्लावर कलियाँ बनी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बारिश के सीजन में भी बहुत आता है फ्रेंड, गर्मियों से शुरू हो जाता है, अप्रैल से शुरू होता है कभी कभी, पर मैंने अप्रैल में कटिंग किया था, उसका प्रूनिंग किया था, हार्ड प्रूनिंग किया था, फिर भी ये पत्ते पुराने रह गए हैं। देखिए ये बहुत हार्डी प्लांट है फ्रेंड, आप एक बार ला कर लगाएंगे आपके गार्डन में तो चार चांद लगा देंगे आपके गार्डन में। बहुत ही अच्छा फ्लावर आता है, इसका रेड कलर तो इतना रेड चटक होता है, मुझे ये नहीं मिला यहाँ, मुझे मिल जाता तो मैं ले आती। रेड और वाइट सब डाली में कलियाँ भरी है, देखिए बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड। इसका फ्लावर, इसमें स्मेल नहीं होती है, इसमें स्मेल नहीं, पर बहुत ही अच्छा लगता है हमारे गार्डन में। ये गुच्छे में आता है, टॉप डाली की टॉप में आता है, पर गुच्छे में आता है, जब भी आता है गुच्छे में आता है, पूरा भर जाता है, कितना अच्छा लग रहा है। सब डाली में कलियाँ बनी है, देखिए सब जगह कलियाँ बनी है। ये फ्रेंड बहुत हार्डी प्लांट है, आप लगा सकते हैं, आपके यहाँ कलर मिल जाए तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। भले गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं तो बारिश के सीजन में तो बहुत बहुत फ्लावर आते हैं। मेरा नीचे का पेड़ है, पूरा भर जाता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जड़ के नीचे इतना चादर जैसा बिछ जाता है, जैसे चादर बिछाई हो फूलों की, ऐसा बिछ जाता है फ्रेंड जब बारिश और हवा बहुत चल रही है तेज तब। पर ये बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड, इसका नाम तो मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से उतर गया है, याद ही नहीं आ रहा, कितना कोशिश कर रही हूँ। पहले मैंने याद किया फ्रेंड वीडियो बनाने के लिए, पर नाम याद नहीं आया। देखिए बहुत ही, मुझे तो ये बहुत पसंद है, लाइट पर्पल है, पिंक जैसा, जब नया फ्लावर खिलता है ना तो डार्क पिंक, देखो ये डार्क पिंक लग रहा है, कली है ये, खिलेगी अभी धूप निकलेगी तो। ये भी कलियाँ है, बनी है बहुत सारी, छोटी छोटी डाली में भी बहुत सारी कलियाँ बनी है फ्रेंड, और बहुत सारा फ्लावर इसमें आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये फ्रेंड, बहुत ही ऊंचा चला जाता है। वैसे जितना हम रखे काट के रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे यहाँ तो बहुत ही ऊंचा चला गया था, उसे भी प्रून करवा दिया है, उसमें भी बहुत सारी कलियाँ बनी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत हार्डी प्लांट है, एक बार लाएंगे आपके गार्डन में तो आप कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए मेरे मटके में है तो बहुत ही ऊंचा तो जाता है फ्रेंड, बहुत नहीं, तीन चार फुट बस, इतने इससे ज़्यादा नहीं जाता है ऊंचा मटके में, पर ज़मीन में लगा होने तो बहुत ही अच्छा रहता है। इतना खूबसूरत इसमें फ्लावर आते हैं फ्रेंड गर्मियों में, देखिए कितनी कलियाँ अच्छी बनी है। गर्मियों से शुरू हो जाता है फ्रेंड इसका सीज़न, अप्रैल से शुरू हो जाता है, पर मैंने अप्रैल में प्रून किया था तो अभी आया है, अब एक वीक से ये फ्लावर है फ्रेंड, पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी तो अब मैं आज वीडियो बना रही हूँ।
कि बहुत ही अच्छे फ्लावर है तो मुझे बहुत पसंद है पेन। इसमें जो रेड कलर का तो बहुत अच्छा लग रहा है पर मुझे मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रही हूँ, मिलेगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी। मेरा ये फेवरेट है फ्रेंड, गुच्छों में आता है तो कितना अच्छा लगता है। और जो हमारे ये इसकी डाली है ना उसकी टिप पर आता है गुच्छा पूरा, तो कितना अच्छा लगता है। देखिए ये टिप पर है, कितना अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। ये इतना हार्डी है फ्रेंड, बहुत ही हार्डी है। आप इसका कटिंग लगा दीजिए, बारिश के सीज़न में लगा सकते हैं, फरवरी में लगा सकते हैं। मैंने बारिश के सीज़न में लगाया था फ्रेंड, ये 2 साल हो गई मेरे। इसमें हर साल फ्लावर खिलता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड। इसमें खाद तो आप क्या दीजिए, खाद आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, लिक्विड खाद दे दीजिए। मैं लिक्विड खाद भी देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट कल दिया है मैं सब पौधे को, और जो लिक्विड बनाती हूँ वो सब मैं देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है ना, तो उसे ठंडक थोड़ी चाहिए, हमारे पौधों को ठंडा खाद चाहिए, तो मैं ये देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड, मन मोह लेता है हमारा, लगता है इसके फ्लावर प्लास्टिक जैसा, उसको पूरा गुच्छा भरा है तो अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें ये कलियाँ बन रही है छोटी छोटी, यहाँ भी छोटी डाली है पर इसमें भी कलियाँ बन रही है। बारिश का बस अब आने ही वाला है बारिश, तो बहुत भर भर के इसमें फ्लावर आएंगे फ्रेंड। गर्मियों में तो आता ही है, अप्रैल से शुरू हो जाता है, पर जो बारिश आएगी ना जून जुलाई, तो बहुत बहुत ज़्यादा फ्लावर आएंगे। गर्मियों में बहुत अच्छा फ्लावर आता है इसमें। ये इसे पूरे दिन की धूप चाहिए फ्रेंड, धूप में ही रखा है मैंने, यहाँ पूरे दिन की धूप आती है सुबह से शाम तक, धूप अच्छी चाहिए। जब इसे धूप अच्छी मिलेगी तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। उसका कोई रख रखाव इतना नहीं है फ्रेंड, इतनी केयर नहीं है, मैं तो कोई केयर नहीं करती हूँ, बस इसमें पानी दे देती हूँ, और खाद भी अभी दिया मैंने, जो ये इसमें कलियाँ बनी तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, बाकी लिक्विड खाद तो दे देती हूँ सब पौधे को थोड़ा थोड़ा, नीचे से बह नहीं, इतना मैं सब पौधे को लिक्विड खाद दे देती हूँ, तो ज़्यादा केयर भी नहीं है इसमें, कोई फंगस नहीं लगता है, मिलीबग नहीं, कोई कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपके गार्डन में एक बार आ जाएगा तो आपके गार्डन को 4 चांद लगा देगा। देखिए मटके में भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ जगह नहीं है तो आप, ज़मीन नहीं है तो नीचे कैसे कहाँ लगाए, ऐसा नहीं है। मैंने गमले में भी लग जाता है, मटके में लगाया है मैंने, थोड़ा बड़ा मटका है उसमें लगाया, छोटा छोटे गमले में भी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा नहीं, 10-12 इंच का 15 इंच का गमले में लग जाएगा, अच्छे से अच्छा रहेगा ये, और गर्मियों में फ्लावरिंग करेगा। गर्मियों से अप्रैल से जून जुलाई अगस्त तक ये फ्लावरिंग करेगा। फिर बारिश आएगी तो बहुत बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तब तो इतना अच्छा लग रहा है, पूरा भर जाता है ना फूलों से, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब बारिश आती है फ्रेंड, मेरे नीचे का जो पेड़ है, बारिश आती है और ज़्यादा पवन इसके साथ होता है तो इतने सारे फ्लावर नीचे गिर जाते हैं ना, तो जैसे फूलों की चादर बिछाई हो ऐसा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका कलर तो फिर वाइट और रेड मैंने देखा है, मेरी बेटी है वहाँ, उसके घर इसके घर 2 कलर है, रानी कलर है एकदम डार्क और रेड कलर है, और वाइट मैंने यहाँ हमारे जो एग्रीकल्चर है गुजरात यूनिवर्सिटी उसमें मैंने वाइट देखा है। तो इसका फ्रेंड लंबी लंबी ऐसे बस ऐसी लंबी लंबी डालियाँ होती है, और इसमें जो ऊपर जाके फ्लावर आता है, कलियाँ ऊपर ही बनती है गुच्छों में, पूरा ये गुच्छा ही बन जाता है। देखिए यहाँ से कलियाँ शुरू हुई है, ये पूरा गुच्छा है, खिल जाएगा तो पूरा इसकी तरह पूरा गुच्छा बन जाएगा, जब खिलेगा तब बहुत देखने में अच्छा लगता है, जो इसमें कलर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। ये कलर भी बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद है ये कलर भी, मुझे मिल गया था तो मैंने लिया था, मैं बहुत छोटी थी फ्रेंड तब, मैं गार्डन में मेरे पापा मुझे ले जाते थे, वहाँ मैंने ये कलर देखा था वाइट कलर का इसमें, तब से मुझे ये मेरे मन में आ गया था कि मुझे ये पौधा लेना है, पर तब तो छोटी थी तो कहाँ से लेती, पर जब मेरा जो गार्डन बनाया मैंने
तो मैंने इसे ढूंढा तो मुझे ये कलर मिला, क्योंकि हमारे यहाँ इतना नहीं है वो, इतना नर्सरी में इतने नहीं फ्लावर आते, सॉरी पौधे आते, कभी कभी आ जाता है, पर ये तो मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है। हमारे यहाँ नहीं मिलता इतना अच्छा नहीं कलर, नहीं तो मैं ले लेती। रेड कलर तो फ्रेंड गार्डन में इतना अच्छा लग रहा है, ये ग्रीन है पत्ते होते हैं और इसमें रेड पॉइंट में ये ऐसे फ्लावर का गुच्छा आता है तो रेड कलर कितना अच्छा लगता है, दे आप सोचिए। वाइट, रेड, लाइट पिंक और पर्पल जैसा कलर है। इसकी कली है तो जो ये एकदम डार्क दिख रही है, ये कली अभी खिली नहीं है, अभी धूप आएगी तो खिलेगी, और बाद में पर्पल जैसा लाइट पिंक हो जाता है। तो फ्रेंड आप भी, आपको मिले वहाँ तो आप भी ये ज़रूर लाइए, पौधा बहुत ही अच्छा है। मटके में या आप गमले में कहीं भी लगा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ करता है। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बाय।